भारतीय न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। जिले में किसी भी हालत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। रेवेन्यू खनिज व पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने भारतीय न्यूज से चर्चा करते हुए कही, खनिज के अवैध उत्खनन को लेकर भारतीय न्यूज ने ऑन द स्पॉट न्यूज प्रमुखता से बताई थी, जिस पर जिला प्रशासन आया हरकत में। समाचार की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने तत्काल धार से खनिज विभाग की एक टीम खनिज माफियाओं पर कार्रवाई करने हेतु भेजी। खबर की जानकारी लगते ही खनिज माफिया सामान बटोरकर फरार हो गए। स्थानीय तहसीलदार ने मौका पंचनामा बनाया। शासन की कार्रवाई से खनिज माफियाओं में मची खलबली। आपको बता दें कि धर्मपुरी व मनावर तहसील में खनिज माफियाओं द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा था, जिसको लेकर खनिज अधिकारी डॉक्टर खतेड़िया का भी ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन श्री खतेड़िया ने अवैध उत्खनन को रोकने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि यदि रेत माफिया या अन्य खनिज माफिया भंडार करेंगे, हम उसे राजसात कर नीलाम करेंगे, ताकि शासन के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। इससे खनिज माफियाओं को आर्थिक चोट पहुंचेगी और इस तरह खनिज माफियाओं का अंत होगा। अभी धार जिले के सभी 40 खदाने हमने टेंडर कर दी है और वो टेंडर का मतलब जो ठेकेदार है वो आ भी गया है, काम चालू कर दिया है और हमने इसको बंद करने के लिए नाके लगाए हैं। तो नाके लगाने के कारण ये अभी धीरे धीरे करके टोटली बंद हो जाएगा। अवैध तो क्या मतलब लोकल लोग हैं जो नर्मदा के किनारे एकदम एक्सट्रीम में रहते हैं, उनके पास ट्रैक्टर है तो वो लोग छुटपुट करते रहते हैं। अब वो क्या बाहर आते नहीं, वहीं से ये करके उसको कर लेते हैं चोरी रेत की। तो वो भी टोटली अब बंद हो जाएगा क्योंकि बाहर आने की उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अपन नाके लगा देंगे तो उसको वहाँ रॉयल्टी कटा के ही जाना पड़ेगा। तो उसको हमने लीगलाइज कर दिया है। क्या है, खनिज में कोई भी इलीगल बंद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने दूसरा तरीका अपनाया है इसका। इलीगल को लीगल कर दो, मतलब ऐसी चीज़ जो लीगल करने लायक हो लीगल करके उसको शासन को रेवेन्यू मिले, हमारा उद्देश्य मेन ये है। क्योंकि रेत तो है, लाएगा भी आदमी, लोकल लोग यूज़ भी करेंगे उसको, तो हमारा उद्देश्य ये है कि उनको भी बेरोक टोक करे, वो रॉयल्टी लेके करे। नाके लगे हुए, नाके पे रॉयल्टी कटे बिना वो नहीं निकल पाएंगे। जिले में कितने नाके इस तरह से अपने स्थापित किए जाएंगे? अभी हमने 6 करे हैं और 4 और प्रस्तावित हैं। 10 नाके लगाए, 6 कर चुके हैं। हाँ, 6 कर चुके हैं हम लोग और 4 और प्रस्तावित है, वो भी बहुत जल्दी हम कर देंगे। तो उससे क्या होगा, काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और अब तो ठेकेदार खुद अवैध उत्खनन परिवहन रोकने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि खदानें बहुत महंगी गई हैं। जो टेंडर हमारा 62,50,000 का था, वो टेंडर गया है 3,21,00,000 में। तो 3,21,00,000 में मतलब जो रॉयल्टी 120 रुपये थी वो 700 रुपये के आसपास हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ कि अब ठेकेदार को इतना पैसा तो भरना ही है, भले वो निकाले या नहीं निकाले। तो ठेकेदार भी इसमें काफ़ी मदद कर रहे हैं, इसलिए ठेकेदार को भी बोला है कि भैया तुम भी बताओ कहाँ हो रहा है, तो हम लोग वहाँ त्वरित कार्रवाई करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय का हमारा बहुत स्ट्रिक्ट हमको कहना है कि भैया अवैध उत्खनन परिवहन पर रोक लगे, शासन को मैक्सिमम रेवेन्यू मिले। हमारा टारगेट जो पहले 42 करोड़ था, वो अभी हम उन्होंने शासन ने 50 करोड़ कर दिया है, उन 50 करोड़ और कुछ कर दिया है। तो हम लोगों को भी रॉयल्टी चाहिए, हम भी नहीं चाहते हैं कि अवैध उत्खनन हो, क्योंकि अवैध उत्खनन हो परिवहन होगा तो शासन को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो हम लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा भी मेन मकसद कलेक्टर साहब का, हमारा शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं उसमें कि अवैध उत्खनन ना हो, के शासन को पैसा मिले, रेवेन्यू जितना ज्यादा जनरेट होगा विकास के कार्यों में उतना ही उपयोग होगा। आलोक कुमार सिंह ने रेत के अवैध उत्खनन को गंभीरता से लेते हुए धार से एक माइनिंग टीम गठित कर घटना स्थल पर भेजी। इसी के साथ मनावर तहसीलदार चंद्रमान सिंह धारवे तथा नायब तहसीलदार सोनिका सिंह, हल्का पटवारी सहित पूरी गोगांव टीम मौके पर पहुंची। तब तक माफिया खबर लगने से सामान समेट कर रफू चक्कर हो गए। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर मौका पंचनामा बनाया। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से खनिज माफियाओं में खलबली जरूर मच गई है। भारतीय न्यूज के लिए सैयद जफर अली की रिपोर्ट। अवैध उत्खनन पे प्रशासन का रवैया बिल्कुल क्लियर है। अगर इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी लिप्त पाए जाते हैं, उनको माइनिंग की और
रेवेन्यू विभाग और पुलिस की टीम से लगातार इनकी जांच कराई जाएगी, और जब भी हमें ऐसी कोई शिकायत मिलती है, अन्यथा उसके बावजूद भी लगातार इसका निरीक्षण कराया जा रहा है, और जो भी इन गतिविधियों में पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त जो नियमों में प्रावधान है खनिज एक्ट के तहत, उन पे ठेकेदारों पे भी कार्रवाई की जाएगी और इसको राजसात की भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ओल्ड रोड गुजरात से दिल्ली से आ रहे हैं गेट नंबर, लेकिन वो ओल्ड रोड आ रहे हैं बड़ी दादा का, इससे मार्गी मार्ग नुकसान भी होगा। अलग अलग जिलों की सीमाओं से वो प्रवेश करते हैं, इस पर हमने पूर्व में भी कार्रवाई की है, जगह जगह पे नाके बनाए गए हैं, पुलिस को और रेवेन्यू विभाग और माइनिंग को इसके लिए ताकीद किया गया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री सड़क और इनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में हम लोगों ने सरदारपुर और अन्य इलाकों में जो साइड रोड से निकलते थे उस पर बैरियर्स भी ऐसे बनवाए हैं जिसमें बड़ी गाड़ियाँ ना निकल सकें, और इसमें जो भी अवैध परिवहन करते या ओवरलोड करते पाया जाएगा उस पे माइनिंग एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।